आप ईवीएम क्यों पकड़ाया, इस बात पे सवाल तो उठता है ना? ईवीएम पे सवाल उठ रहा है? ना ना, ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आई है। पंजाब की जनता ने सफाया कर दिया, वहाँ की जनता ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को सफाया कर दिया। उत्तर प्रदेश में मुद्दों के ऊपर पैसा जीत गया। भैया आप बता दिए, पटना विश्वविद्यालय में एक एचओडी चार चार डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं कि नहीं, आप इतना ही जवाब दे दीजिए। हाँ है, लेकिन हम तो कहा है विकास पूरे भारत में? अगर बिहार में योगी जी के यहाँ अगर चुनाव होता तो इतना उनका बुरी तरह से हार होता ना? पंजाबी लोग ईमानदार होते हैं और जुमलेबाजी में नहीं फंसते हैं, तो जुमलेबाजी कीजिएगा वहाँ नहीं चलेगा। देख लिए ना, देख लिए भाजपा के लोगों को भागना, देख लिए ना, पीएचडी कर करके लोग चाय बेच रहे हैं चाय के दुकान पे। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए रात के रिपोर्टर में हम आज निकले हैं, पटना यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र हैं जो कि पॉलिटिक्स में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो बस इतना जानने आए हैं कि उत्तर प्रदेश में फिर से योगी 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 मच गया है, तो खुश हैं इससे? देखिए खुश होना नाराज होना अलग बात है, ठीक है? दिल से देखिए, यहाँ जितने भी लोग हैं दिल से आंसर दीजिएगा। देखिए जब हम उस जिस चीज़ का हम विरोध करते हैं अगर उसकी जीत होती है तो अक्सर इंसान खुश नहीं होता है, ठीक है? जिस प्रकार से राष्ट्रवाद, मंदिर मस्जिद, राम राज से कृष्ण राज, तमाम बातें हुई उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जहां पिछले 17 के चुनाव में योगी जी को 300 से ऊपर बहुमत मिला था, उसे इस बार कुछ कम 30 सीटें कम मिले और यूपी के जनता को एक मजबूत विपक्ष मिला समाजवादी पार्टी के रूप में, अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी जो चुनाव में देखा जाए तो बहुत सारे सीट पर ऐसे परिणाम निकले जहां पे 500 से हारा गया, 100 से 1000 से हारा गया। पंजाब में भी आपको मालूम ही है कि झाड़ू लग चुका है। पंजाब की जनता ने सफाया कर दिया, वहां की जनता ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को सफाया कर दिया। खुश है ये सबसे? हाँ खुश है बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की हवा जो है वो तय करती है हर चीज। देखिए राजनीति में परिवर्तन होनी चाहिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, जो समाजवादी सरकारी बननी चाहिए और योगी की ही सरकार, जनता की जो मुद्दे है वो उस पर चुनाव होनी चाहिए। अक्सर भारतीय राजनीति में धर्म और राजनीति जाति का तो प्रवेश ले ही चुका है। जाति का प्रवेश? हाँ बिल्कुल, जाति का प्रवेश ले चुका है ये उत्तर प्रदेश चुनाव जी। खुश है इस चीज़ से कि फिर से भगवा रंग छा गया? नहीं, इस बात से हम खुश नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुद्दों के ऊपर पैसा जीत गया, सरकार पैसा जीत गया, सरकारी तंत्र जीत गया है। कैसे? उत्तर प्रदेश में बीच भारतीय जनता पार्टी कैसी पार्टी है? अभी चंदा का जो रिपोर्ट आया था आपने देखा कि सबसे ज़्यादा किस पार्टी के पास पैसा था? भारतीय जनता पार्टी का 5000 करोड़ का चंदा का पैसा था। इन लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर के आया, वही अवैध कह रहे हैं कि खरीदा गया वोट को। बिल्कुल, वो जो इस तरह से चुनाव हुए, जनता इतना प्यार करती है इसलिए भाजपा जीता। देखिए जनता प्यार करती है ना करती है वो अलग बात है, लेकिन पूरा जो चुनाव हुआ उस चुनाव के पूरे संदर्भ को देखिएगा तो ये दरअसल एक राजनीतिक सवाल है कि चुनाव उत्तर प्रदेश में योगी जीत गए, ठीक है वो जीत करके आ गए हैं, इसका दूसरा सत्य ये भी है कि पहले से कम उनको वोट सीटें आई हैं, तो ये तो बात है कि उनकी लोकप्रियता में गिरावट आई है, लेकिन लेकिन लोकप्रियता में गिरावट बहुत ज़्यादा थी और बहुत सारे मामले थे कोविड में जिस तरह से लोगों के कि अब जो है वो बुराई पे बुलडोजर चलेगा। बुराई पे बुलडोजर नहीं चलता है, वो चिन्हित सांप्रदायिक और जातीय रूप से देख करके बुलडोजर उनके द्वारा चलाया जाता है। जो लोग आंदोलन करते हैं, जो लोग CNRC का आंदोलन करते हैं, जो लोग अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, जो लोग गोरखपुर में जब बच्चों की जो हत्या कही है कि हॉस्पिटलाइज हत्या थी ऑक्सीजन की कमी की वजह से, उसके खिलाफ खुश नहीं है? बिल्कुल खुश है ना? देखिए नहीं हम खुश है, देखिए हम नहीं खुश है नहीं नाराज है, मैं बताना चाहता हूँ जो चुनाव तो जनता लड़ते मतलब नेता लड़ते हैं, जनता वोट करती है। अब यूपी के जनता किस मुद्दे पे वोट मतलब डाले, धर्म के नाम पे डाले कि योगी जी यहाँ होते तो आप वोट देते कि नहीं देते? नहीं नहीं, मैं योगी जी को पसंद नहीं करता। आप देते नहीं देते? नहीं नहीं, फासीवादी लोगों को वोट क्यों दिया जाए? बिल्कुल नहीं देते। आप बताइए, आप भी आवाज़ लगातार उठाते आए हैं कि हमेशा, आप भी पटना यूनिवर्सिटी में रहते हैं, हमेशा आवाज़ उठाते हैं, बताइए कि उत्तर प्रदेश में देखिए खुश हैं कि नहीं? सीधे बोले भगवा रंग आया, खुश एकदम खुश नहीं है। बात यह है कि जाति और धर्म के नाम पर राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। तो जाति करते हैं ये लोग एकदम जातिवाद करते हैं, भाजपा और भगवा रंग लहराते हैं। देश की आज़ादी हुई थी उस समय हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों ने अपना जान के न्यौछावर दिया था, तो इस बात को याद रखना चाहिए योगी जी को कि हर जाति और धर्म के लोग, जाति धर्म में बांटने से राजनीति नहीं होती है। वो लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश के कि आतंक और ये सब जितना भी चीज़ है
खत्म हो गया उनके आने से। वो ठीक है, हम मानते हैं कि आतंक खत्म हुआ है, लेकिन लड़कियों का रेप तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। कहाँ लड़कियाँ सेफ है उत्तर प्रदेश में? खुश नहीं है उनके? नहीं, एकदम बिल्कुल खुश नहीं है हम लोग। वो यहाँ होते तो आप उनको वोट देते? कभी भी बिल्कुल नहीं देते, क्योंकि जाति धर्म पर राजनीति करने वालों को एकदम वोट हम लोग नहीं देंगे। और ये जो झाड़ू चल गया है उससे तो खुश होंगे? बिल्कुल खुश है हम लोग, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से खुश है, एकदम खुश है हम लोग, क्योंकि वो जाति और धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते हैं। वो ऐसे राजनीति करते हैं, शिक्षा चिकित्सा इस वर्ग पे वो लोग राजनीति करते हैं। तो हम लोग उनसे बिल्कुल खुश है, क्योंकि हमारा शिक्षा बढ़ेगा, हमारा बच्चा पढ़ेगा, हम लोग स्टूडेंट पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बहुत मतलब बेकार है और ये सब होना ना चाहिए। हाँ, क्यों? क्योंकि वहाँ देख रहे हैं राजनीतिक लड़की वहाँ सेफ नहीं है पूरा पूरी, ठीक है ना? सोशल मीडिया पर तो देख, ये भगवा रंग फिर से छा गया, खुश हैं? नहीं, खुश तो नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि वहाँ ईवीएम हटा दिया जाए। ईवीएम हटा दिया जाए? बस ईवीएम क्यों हटा दिया? इसीलिए उससे उससे चोर घपला होता है। आप लोग बताइए, योगी जी से खुश हैं क्योंकि वो जीत चुके हैं? हाँ, खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। वो अच्छे हैं, विकास पुरुष है। विकास पुरुष? हाँ, विकास कर रहे हैं। विकास कर रहे हैं? हाँ। जो उनके खिलाफ थे वो यहाँ थोड़ा सा आ जाएं, एक सेकंड। विकास करते हैं योगी जी, तो आप नाराज क्यों रहते? देखिए, हम योगी जी से नाराज नहीं है, समझे ना? योगी जी काम करे हमको खुशी है, लेकिन जाति धर्म के नाम पे राजनीति। जाति धर्म करते हैं वो? नहीं, जाति नहीं, साफ कह रहे हैं जाति धर्म करते हैं। नहीं नहीं, अफवाह है, अफवाह है, अफवाह ही है, अफवाह नहीं है। देखिए, अफवाह वो अलग चीज है, सोशल मीडिया पर देख लीजिए पूरा पूरी क्या है क्या नहीं है, पूरा पता चल जाएगा, समझे? अगर बिहार में योगी जी के यहाँ अगर चुनाव होता तो इतना उनका बुरी तरह से हार होता ना? खैर, यूपी में हो रहा है, अगर बिहार में होता ना, जैसा वहाँ राजनीतिक हो रहा है, जैसा वहाँ ये मतलब ईवीएम का घोटाला हो रहा है, अगर यहाँ होता ना तो उसका बुरी तरह से हार होता। जब कुछ नहीं हो रहा था, ईवीएम पकड़ा क्यों रहा है? आप स्वच्छ राजनीति कीजिए ना, स्वच्छ वोटिंग कीजिए। आप ईवीएम क्यों पकड़ाया, इस बात पे सवाल तो उठता है ना? ईवीएम पे सवाल उठ रहा है? ना, ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आई है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आई है। फिर भैया, यूपी के लोग क्यों गुस्साया, क्यों नाराज हुआ, ईवीएम क्यों पकड़ाया, इस पे तो सवाल उठता है ना? विपक्ष पंजाब में भी तो झाड़ू मरा गया, तो मतलब कि वहाँ तो पहले से भी बीजेपी की कोई सरकार नहीं थी, आज भी नहीं। हाँ, मतलब कि आपका कहना है कि बीजेपी बस उत्तर प्रदेश में कर सकती है, बाकी और तो चार राज्य में आया है ना उनका सीट। देखिए, भाजपा स्टूडेंट और किसान विरोधी सरकार है, एकदम ही हम लोग बिल्कुल तरीके से, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं हम लोग, और देख लीजिए एकदम बिल्कुल विरोध करते हैं, विरोध करते हैं पूरा, इसलिए करते हैं क्योंकि पटना विश्वविद्यालय में किसी भी डिपार्टमेंट में अब चल जाइए, एक HOD चार डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, क्या कारण है भाई? यहाँ शिक्षा के अभाव है क्या? यहाँ लोग PhD कर करके चाय बेच रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं कि पटना विश्वविद्यालय में एक HOD? भाजपा के मेन मालिक JP नड्डा, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो जुमलेबाजी करते हैं, झूठ बोलेंगे। हाँ, बेरोजगारी में कुछ एक कमी आई है, मतलब कि कैसे कमी आ गई? जब भैया आप बता दिए, पटना विश्वविद्यालय में एक HOD चार चार डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं कि नहीं, आप इतना ही जवाब दे दीजिए। हाँ, है, लेकिन हम तो कहाँ है विकास पूरे भारत में? हाँ, विकास तो मतलब कि देखिए, हंसने से काम चलेगा? आप बताइए, हंसने से भाजपा हर जगह आ जाएगा? हाँ, हम राजनीति नहीं कर रहे भैया, कि भाजपा है तो क्या बहुत अच्छा रोजगार है? रोजगार के मामले जीरो है, कुछ नहीं मिला है उस समय, कांग्रेस समय। आप गांधी मैदान में जाकर सुबेरे एक व्हाइट ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने छात्र बेरोजगार हैं। आप बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं करते? आम कैसे खाते आप बात कीजिएगा, कि आम हम चाप के खाते हैं। यहां आप विकास विकास कह रहे हैं, रट रहे हैं। जनसंख्या के भी देखिए कि कितना जनसंख्या बढ़ रहा है। भैया, जनसंख्या बढ़ रहा है तो बेरोजगारी बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है तो कारोबार भी बढ़ रहा है, इस पे भी बोलिए आप। आगे आइए, जनसंख्या बढ़ रहा है तो हिंदुस्तान का मानव संसाधन भी तो बढ़ रहा है। जो भाजपा को सपोर्ट कर रहे थे वो जा रहे हैं चुपचाप चुपचाप बुला रहे हैं ना, जा कहाँ रहे हैं इतना लोग जो है वो? हाँ, तो भाग क्यों रहे हैं? भाग कहाँ रहे हैं, यहीं पे है सवाल। क्या सवाल जवाब में? बीजेपी चोर पार्टी है, चोर पार्टी है बीजेपी। पूर्वांचल में देखिए, पूर्वांचल में लास्ट में चुनाव हुआ, प्रथम चरण का चुनाव 10 फरवरी को हुआ, ठीक है? अखिलेश यादव की सुनिए, ठीक है? आप बोल रहे हैं ना, हम नहीं बोल रहे, कब से कह रहे हैं कि? सुनिए,
या जितना स्टूडेंट है 100% अगर जो बीजेपी, सुनिए पहले हमारी बात सुनिए ना एक मिनट सुन लीजिए कोई भी स्टूडेंट ना बीजेपी की सपोर्ट नहीं करता। लोग हैं सब भाजपा को। अच्छा सुनिए, पंजाब में बीजेपी क्यों नहीं सरकार बनाई, क्यों नहीं बनाई पंजाब में? पहले ही से मान नहीं है तो नहीं बनेगा उसका, वहाँ चलवे नहीं करेगा, अधिकारी नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। पंजाबी लोग ईमानदार होते हैं और जुमलेबाजी में नहीं फंसते हैं, तो जुमलेबाजी कीजिएगा वहाँ नहीं चलेगा। यूपी में बीजेपी की सरकार थी, ठीक है, योगी आदित्यनाथ 2-3 दिन पहले इस्तीफा दिए मुख्यमंत्री से, सरकार उनकी है, अखिलेश कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है, अधिकारी सारा उनका सुनेगा सारी। पंजाब में बीजेपी की सरकार नहीं थी, बीजेपी का सुनेगा कौन? कोई नहीं सुनेगा। बीजेपी चोर पार्टी, एक नंबर चोर पार्टी है। क्या कहिएगा, क्या 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 चीज क्या बोले हम? आप लड़खड़ा रहे हैं, देखिए चुप हो गए लोग जो है, जनता जो है वो भाजपा के सपोर्टर को चुप। पश्चिम बंगाल में देख लीजिए बीजेपी के कितना, पश्चिम बंगाल में देख भारी पड़ रहे हैं लोग आप। अरे भैया सुनिए, देखिए भैया सुनिए, आप भी स्टूडेंट हैं, हम लोग भी स्टूडेंट हैं, हम लोग भी बिहार का नंबर वन यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। इस बात पे ध्यान देना होगा आपको कि इतना बेरोजगारी बिहार में बढ़ चुका है, देश बचाओ, PhD कर करके लोग चाय बेच रहे हैं चाय के दुकान पे। इतना आप नाराज है, इतना नाराजगी क्यों है भाजपा से? इसलिए है क्योंकि बेरोजगारी इतना बढ़ा दिया है कि पिछले 70 साल में इतना गायब। जी हाँ, देख लीजिए, देख लिए ना, देख लिए भाजपा के लोगों को भागना, देख लिए ना, पैसा जीता है और सरकारी मशीनरी ने उत्तर प्रदेश को जिताया है। सपोर्टर भाग क्यों गए? बिल्कुल भाग गए इसलिए क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। ऐसे ही 24 घंटे भागेंगे, पक्ष में कुछ बोले कोई जवाब ही नहीं उनके पास, क्या बोलेंगे? पार्टी है, इसे भी झूठा पार्टी है, बोलना चाहते तो बुलवा लीजिए। आप लोग, आप सब लोग भाजपा को बुरा मानते हैं, बिल्कुल विरोध करते हैं भाजपा का इसलिए क्योंकि वो बीजेपी चोर पार्टी है। मान लीजिए इतना बेरोजगारी बढ़ा दिया है कि लोग रोटी खाने के लिए तरस रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर आप लोग रहते तो सरकार नहीं बनने देते, बिल्कुल नहीं बनने देते, बिल्कुल नहीं बनने देते, नहीं बनने देते। जाति धर्म पर राजनीति करने वाला को बिहारी नफरत करता है क्या भाजपा से? बिल्कुल भाजपा से हम लोग नफरत नहीं करते हैं। अच्छा काम नहीं कर रहा, अच्छा काम नहीं कर रहा है, स्टूडेंट को रोजगार नहीं दे रहा है, PhD करके PG करके लोग यहाँ बेरोजगार भटक रहा है, तो हम लोग विरोध करेंगे भाई, सौभाग्य बात है। हम लोग मिडिल फैमिली से आते हैं और हम लोग विरोध करेंगे क्योंकि हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है, दर दर भटक रहे हैं हम लोग। क्या बोलेंगे जाते जाते, क्या कहना चाहेंगे योगी जी के लिए, उनके विजय के लिए क्या बोलेंगे? देखिए विजय के लिए उनको तो हम बधाई देते हैं कि योगी जी सरकार बनाए हैं तो काम अच्छा से करे, लोगों को खूंस करे, लेकिन जाति और धर्म के नाम पर राजनीति बिल्कुल नहीं करे, क्योंकि देश की आज़ादी में हर जाति हर धर्म के लोगों ने अपना योगदान निभाया था, इस बात को किसी को नहीं भूलना चाहिए। चलिए तो देखिए, लोग रात में नाराज हो गए, एक तरफ भाजपा का बस एक सहयोगी था, सहयोगी ने उनको सपोर्ट करने के लिए एक लड़का था जो कि भाग चुका, क्योंकि इतने जो लोग हैं वो भाजपा को सपोर्ट नहीं कर रहे थे बल्कि सच्चाई बता रहे थे, इनको जो सच्चाई लगता है वो बता रहे थे, साफ नाखुश हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई है, लेकिन जितने भी लोग हैं यहाँ पे सब लोग खुश नहीं है, सब लोग को एक नफरत सा है भाजपा से, क्यों है क्या है सब आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, धन्यवाद।